तो जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं 70 सीटों पर दिल्ली की, उसमें इतना तय हो गया है कि दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल सरकार बनने जा रही है। और अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी 58 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चलते हुए, ये कमोवेश वही आंकड़े हैं जो हमने एग्जिट पोल पे आपको दिखाए थे कि अगर सबसे खराब परफॉर्म किया आम आदमी पार्टी ने तो कितनी सीटें हो सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर अपने आती है तो कितनी सीटें हो सकती हैं। और यही तस्वीरें एक तरफ, इन आंकड़ों की तस्वीरें एक तरफ, और साथ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर शुरुआती रुझान आने के साथ ही एक तरह से सेलिब्रेशन की शुरुआत वहां पर हो गई थी। तो अब यही देखिए, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर सब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार भी नहीं करना चाहता है कोई, क्योंकि इस तरह का लीड है यहाँ पर। हालांकि ये भी देखना होगा कि लगभग 9 सीटों का नुकसान पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। रोहित, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। लगातार मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते हैं और इस बार इस सीट से मनीष सिसोदिया पिछड़ रहे हैं। लगातार मनीष के पिछड़ने की खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के नेता गांधीनगर से, वो इस समय पिछड़ रहे हैं। जो एग्जिट पोल का अनुमान आज तक ने आपको दिया था वो ये था कि आम आदमी पार्टी अगर खराब से खराब भी प्रदर्शन करती है तो 59 सीटें कम से कम आम आदमी पार्टी के खाते में आना तय है, और बीजेपी अगर बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो 11 तक वो सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस का खाता नहीं ही खुलने के आसार है। ये आज तक के एग्जिट पोल ने आपको दिखाया था, और अभी की तस्वीर जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है वो ये बता रही है कि 58 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और कांग्रेस का खाता खुलने के आसार फिलहाल कम से कम नहीं दिख रहे। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे ये तय हो गया है, लेकिन 14 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर चल रही है, और इन 14 सीटों का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। लगातार हर राउंड के साथ यहां तस्वीर बदलती हुई दिख रही है, ऐसे ऐसे संकेत इन 14 सीटों से आ रहे हैं। श्वेता, और इसीलिए देखिए, इकलौता चैनल है जहां पर आपको हम एक एक सीट पर, और एक एक सीट पर कितना आगे, कब पीछे, किस समय, एक एक चीज सटीक हम आपको दिखा रहे हैं। 70 की 70 सीटें, और जो अहम सीटें हैं उनमें से, यानी जो वीआईपी सीटें जिन्हें माना गया है, उन सबको तस्वीरों के साथ हम इस समय दिखा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की जो बात रोहित ने इस समय की है, आशुतोष, सबसे बड़ी कामयाबी शिक्षा, आम आदमी पार्टी यही कहती रही है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, क्या इससे जोड़ा जा सकता है? देखिए अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कांटे की टक्कर होना भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी वहाँ 3 या 4 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हुई है, और अभी कम से कम 18 राउंड की काउंटिंग और होगी, तो इस नतीजों के आधार पर, इस रुझान के आधार पर कुछ भी कहना हमारे ख्याल से बहुत सटीक नहीं होगा जब तक कि 10 राउंड ना हो जाए, क्योंकि 10 राउंड के बाद ये माना जाता है कि जो आपका पोल परसेंटेज है या फिर जो रुझान है वो कहीं ना जाके कंसोलिडेट होता है। इसलिए अभी जल्दबाजी, मुझे नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया किसी तरीके कोई दिक्कत आ रही। मनोज तिवारी की तरह 3 बजे के बाद वाली काउंटिंग तक का इंतजार करना है? मनोज तिवारी तो बिना काउंटिंग शुरू होने के पहले ही काउंटिंग करके बैठ गया था 48 सीटें। नहीं रोहित, ये फैक्चुअली सही है, क्योंकि ज्यादातर सारी कंस्टिट्यूएंसी में 7 राउंड 8 राउंड तक पहुंच गया है, बट पटपड़गंज में किसी कारणवश 4th राउंड में ही अभी काउंटिंग चल रही है, और ये राउंड बहुत बड़े हैं। नॉर्मली एक राउंड 7,000-7,500 वोटों का है, लेकिन पटपड़गंज की जो पिछले 3 राउंड है वो 12,000-11,000 वोटों का राउंड है। अब ये किस वजह से ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी के लिए वोटिंग भी, एक काउंटिंग भी थोड़ी धीरे चल रही है। चलिए, हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज आ गए हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा आ गए, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, महाराष्ट्र से आते हैं। और गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता है। तो भाटिया जी, ये खुशी का दिन है आपके लिए या दुख मनाने का? ये तो जब परिणाम आ जाएंगे रोहित जी तभी हम बता पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में जो जनता तय कर देती है उस परिणाम को सर आंखों पे रखेंगे हम। ईवीएम खराब हो गई, ये बहाने भारतीय जनता पार्टी कम से कम नहीं बनाएगी। और एक सकारात्मक बात जरूर कहूंगा कि अभी 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो मार्जिन है वो 1,000 वोटों से कम है, और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है।
दूसरी बात, अगर आपके अभी प्रोजेक्शन भी देखें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, उससे काफी ज्यादा 12 सीटें दिखा रहा है, कुछ चैनल 18-20 भी सीटें दिखा रहे हैं। तीसरी बात, हमारा वोट प्रतिशत 42% के आसपास है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी का कम हुआ है। तो हमें अभी जो फैसले हैं उनका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद तय हो जाएगा कि जनता ने किसको जो है जीत दर्ज कराई है, किसकी बात को सही समझा। भाटिया जी, 58 आपके खाते में दिख रहे थे, तो आप अभी अभी लड्डू भी ऑफर कर चुके होते हैं कि मैं लड्डू खिला देता हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम इंतजार करना चाहते हैं, किस चीज का इंतजार करना चाहते हैं? क्यों नहीं? नहीं नहीं, किस चीज का इंतजार? मैं इतना ही कहूंगा, आप भी मनोज तिवारी की भविष्यवाणी पर अटके हैं क्या अभी तक कि 48 सीट जीत जाएंगे हम? 112 वोट से रोहित जी, मैं बताता हूँ आपको, रोहित जी ऐसा है कि अभी पिक्चर बाकी है, इंटरवल में आप हीरो को मारना चाहते हैं, ये गलत होगा, थोड़ा इंतजार करिए। आप ये तो मानेंगे ना रोहित जी कि कांटे की टक्कर दे रही है, जो मार्जिन है वो बहुत कम है, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वैसे गणेंद्र जी, अब्दुल्ला कौन है ये हर कोई जानता है, आप जो कोई कह रहा था कि डंडे मारो प्रधानमंत्री को, आज जनता ने उन्हें डंडा मार दिया है। आप पर गणेंद्र जी इस तरीके से लागू होता है कि पिछली बार 67 सीटें जीतने वाली पार्टी क्या इसे थोड़ा मोड़ा नुकसान मान रही है, क्या जीत जीत होती है के फलसफे से आप लोग खुशी मनाएंगे बस? श्वेता जी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल जी, और बहुत प्रचंड बहुमत दिल्ली के लोगों ने दिया है। पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से पहली बार सरकार बन रही है जो काम पे वोट मांग के सरकार बन रही है। पहली बार ऐसा नहीं, 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 दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहा है, शीला दीक्षित हर बार काम के नाम पर ही वोट मांगती थी। गणेंद्र जी, किसी पार्टी से कंपेयर कर लीजिए, लेकिन शीला दीक्षित हर बार काम के नाम पर, आप सच सच बताइए, ये शीला दीक्षित क्या सचमुच में हर बार काम के नाम पर नहीं मांगती थी वोट? की जो याददाश्त है वो कम। देखिए, आपने देखा होगा गुजरात में क्या होता था, मध्य प्रदेश में क्या होता था। श्वेता जी, पूरा जो हमारा कैंपेन था पॉजिटिव कैंपेन था, हमने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल ठीक करे हमने उस पर वोट मांगा, हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करे हमने उस पर वोट मांगा, हमने आज इस महंगाई के दौर में बिजली पानी के नाम पे जो राहत हमने दिल्ली के लोगों को दी हमने उस पर वोट मांगा, हमने महिलाओं की सुरक्षा पे वोट मांगा, हमने महिलाओं की फ्री बस यात्रा पे वोट मांगा, हमने बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा पे वोट मांगा। लेकिन गणेंद्र जी, दिल्ली के लोगों ने आपने वोट मांगा सरकारी स्कूलों की बेहतरी पर, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसको एक्सेप्ट करा है, और जनता ने शिक्षा मंत्री को भी पीछे कर रखा अभी नहीं, और वो कपिल गुर्जर ने जो गोली चलाई थी वो पॉजिटिव कैंपेन था या नेगेटिव था? मैं बता रहा हूँ, मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश विरोधी नारों के साथ खड़े हैं, वो पॉजिटिव कैंपेन था कंफर्टेबली लीड या नेगेटिव कैंपेन? तमाम हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी खुद पीछे चल रहे हैं। नहीं नहीं गौरव जी, आपने शिक्षा के नाम पे वोट मांगा और शिक्षा मंत्री पीछे है। गौरव जी, हम लोग सवाल पूछ लेते हैं इनसे, जीत तो वही रहे अभी गौरव, वो देखिए गौरव जी तो मानेंगे नहीं, गौरव जी तो मनोज तिवारी की गुट्टी भी आए हुए हैं, अभी कोई तक 48 से नीचे नहीं जा रहे। आज श्वेता जी अगर उनके आंकड़े हमारे से बेहतर है तो पूरी विनम्रता से हमें इस जनादेश को स्वीकार करना होगा। छोड़ो मनोज तिवारी, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, कोई वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी का? दोनों सुन लीजिए, दोनों लोग सुन लीजिए, एक एक करके बोलते हैं अच्छा लगता है, है ना, एक एक करके बोलेंगे लोगों को समझ भी आएगा। अरे गणेंद्र जी, मनोज तिवारी के झांसे में आ रहे हो, गणेंद्र जी ठीक है, लोगों ने नकार दिया है, लेकिन आपको स्वीकार किया है। आपको अगर याद होगा पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जीते थे और जीतने के बाद लगभग इसी समय के आसपास दोपहर में मंच पर आए थे, मुझे अच्छे से वो तस्वीर याद है, एक तरफ कुमार विश्वास, एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ अपने आशुतोष जी खड़े थे जो यहाँ बैठे हैं आज मेरे बगल में, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम जीत के आए हैं इसलिए हमें ज्यादा बड़े दिल के साथ सामने आना है, लोगों के अहंकार हावी नहीं हो जाना चाहिए, वो बात याद है ना आपको भी? तो मुझे लगता है आज अच्छा दिन है, आप तो कल कह रहे थे कि मैं मिठाई लेके आऊंगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ उलझे ही जा रहे हैं लगातार, मिठाई विठाई तो भूल ही गए आप। हाँ, मैं आ नहीं पाया रोहित जी, मैं आ नहीं पाया स्टूडियो में, मिठाई आपकी ड्यू है। नहीं नहीं, वही खा लीजिए, हमें लगेगा हम सबने खा ली, कोई बात नहीं, आप मिठाई ड्यू है, नहीं कैमरा के सामने आप वही खा लीजिए, हमें लगेगा हमने खा ली सबने आपके साथ, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, लेकिन बहुत सारे सवाल इस आज के नतीजे अगर ये 58-12 में तब्दील हो जाते हैं। मेरा आज मंगलवार का व्रत है। चलिए कोई बात नहीं सर, बढ़िया है, मंगलवार का व्रत खोल लीजिएगा लड्डू के साथ इस जीत के जो आज आपको मिल रही है। चरण सिंह सापरा
एक ऐसी पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक दिल्ली पर राज किया, एक ऐसी पार्टी जिसके लिए पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी अरविंद केजरीवाल के लोग कई बार कह देते थे कि भाई शीला दीक्षित अच्छी थी, वो खाता तक नहीं खोल पाई सर, जबकि फोटो भी आपने शीला दीक्षित की छापी उनके दुनिया में नहीं होने के बावजूद। जी रोहित जी, ये जो रुझान नजर आ रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में भी बदलते हैं तो निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है और कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक भी है। हमको इसका इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्यों जनता ने हमको वोट नहीं दिया है, और ये भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली पार्टी या ध्रुवीकरण को चरम पर ले जाने वाली पार्टी को भी मात्र 12 सीटें मिली हैं। यानी दिल्ली की जनता जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति को भी उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। दिल्ली की जनता, चाहे वो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल हो या उसके बाद का कार्यकाल, वो काम को और विकास को वोट दे रही है, ये इन रुझानों से निश्चित हो रहा है। मतलब आपने और कांग्रेस पार्टी को आप अभी स्वीकार रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति के नाम पर वोट मिला है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है, आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय हथियार डाल दिए थे उसको ठीक तरह से शून्य स्वीकार हो गया है। देखिए ये तो नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, नहीं हथियार डालने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये मैंडेट है, अगर मैंडेट को हम स्वीकारेंगे नहीं तो जनता हमारे से और नाराज होगी। तो मैंडेट को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मैंडेट दिख रहा है, जनता ने विकास को वोट दिया है, जनता ने शाहीन बाग के मुद्दे को वोट नहीं दिया, ध्रुवीकरण के मुद्दे को वोट नहीं दिया। भाई साहब, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है? जो प्रचार चला था उसको आपके लिए क्या की जनता ने नकारा है, कांग्रेस के लिए क्या है इसमें? आप बीजेपी का सारा इंट्रोस्पेक्शन करके बैठे हैं और शुरू आपने इससे किया कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। मैं यही कह रहा हूं कि चिंता मैंने यही कहा कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। चिंताजनक परिस्थिति है, आश्चर्यजनक है, हम बैठेंगे इसके ऊपर, सीट वाइज इंट्रोस्पेक्शन होगा, जो हमारे उम्मीदवार थे उनके साथ भी बातचीत होगी कि क्या क्या वहां पर ग्राउंड लेवल पर क्या परिस्थिति थी, इसका सीट वाइज पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं जरा एक मीनाक्षी के पास जाऊं, उसके पहले आशुतोष जी, बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। सापड़ा जी या कांग्रेस के जितने नेता आज बात कर रहे हैं, उससे कहानी याद आ रही है ना कि वो एक आदमी भगवान की पूजा करता है, भगवान प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ठीक है तुमने इतनी पूजा अर्चना की है मेरी, पर तुम याद रखना जो भी तुम मांगोगे पड़ोसी को उससे दोगुना मिल जाएगा। तो वो कहता मेरी एक आंख फोड़ दी। क्या यही स्थिति नहीं है कांग्रेस की कि भाई हमारी जीरो आई सही कोई बात नहीं, इनका एजेंडा तो नहीं चला ना कम से कम, भले ही कोई तीसरा जीत गया। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो सबसे पहले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। नहीं, नहीं, जो, नहीं, रोहित जो जी, पार्टी रोहित जो पार्टी 2014 तक 2013 से जनता पार्टी भी शून्य पर है। सापड़ा जी कोई बात नहीं ना, उस दिन जिस दिन जिस जगह पर वो शून्य पर होते हैं उस दिन उनको ये कहानी सुनाई जाती है अगर वो ऐसी बात करते। तो अभी आशुतोष जी कुछ बता रहे हैं, शायद काम आ जाए, सुन तो लीजिए थोड़ा सा। 2013 तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक तरीके से अनक्राउन किंग थी, 15 साल लगातार उसने 1998 के बाद से लगातार उसने शासन किया था। और यह बात सच है कि दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, लेकिन अचानक अगर आप पूरे परिदृश्य से ही गायब हो जाएं, पहले आप 8% वोट पर आते हैं, फिर एमसीडी के चुनाव में आप 22% वोट पर आते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में आपको उम्मीद होती है आप नंबर 2 पार्टी बनते हैं, और 6 महीने के अंदर अगर आप 4% वोट पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा आखिर ऐसा क्या घट गया इस दौरान कि आप अचानक जीरो हो गए वहां पे। ये सवाल सिर्फ जीरो सीट का नहीं है, ये सवाल ये है कि आप 22% वोट से घटके आप 4% वोट पे कैसे चलेंगे और क्यों चलेंगे। नहीं, और कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के जो वोटर है, वो बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टी लड़ क्यों नहीं रही है। लेकिन लड़ाई दिखनी चाहिए, लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं। मैं और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि 1998 के बाद से लगातार आज आप देख रहे हो 22 साल हो गए, और अब आने वाले 5 साल यानी 27 साल आप दिल्ली की राजनीति में विधानसभा से पूरी तरीके से गायब। कुछ तो कारण होगा कि आप एमसीडी में आते हैं, आप लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन असेंबली में आप नहीं कर पाते हैं। तो क्या लीडरशिप इसके लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, या शीर्ष नेतृत्व उस बारे में ध्यान नहीं देता है? चलिए वो हम गौरव भाटिया से अभी पूछते हैं, लेकिन अभी सीधे लिए चलते हैं आपको आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आंकड़े और पुख्ता होते जा रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है या सुबह से जैसा था वैसे ही चले जा रहा है? आज तक भी
श्वेता देखिए, हर लेवल के साथ, हर बीते घंटे के साथ यहाँ पर जश्न की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले तक कार्यकर्ता आपको पोस्टर्स लिए हुए दिखाई दे रहे थे, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पर ढोल भी आ गया है। और देखिए, होली जो है, होली आनी है मार्च में, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में गुलाल भी उड़ रहा है, ढोल भी बज रहा है। लाजपत नगर से खास तौर पर ये टीम जो आई है, कितने लोग आ रहे हैं? अजय कलाकार, कहाँ से आए? अजय कलाकार ग्रुप, लाजपत नगर, नेहरू नगर से। जीत के कौन सी धुन है आज यहाँ पर? कौन सी धुन है, जरा बजा के दिखाए। झाड़ू, ये धुन का नाम है। चलिए, धुन का नाम भी झाड़ू हो गया, जरा बताइए। के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, सुबह से आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं, कौन सा टॉनिक पिया है कि गला खराब ना हो नारे लगा लगा? ये अरविंद जी का टॉनिक है और हम मैम रात के 12 बजे तक भी काम करते, घर में भी जाके झाड़ू झाड़ू अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक 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 चीज, चलिए, वैसे तो दिल्ली ने आपको मैंडेट दे दिया, विपक्ष ने एक आरोप आप लोगों के ऊपर ये लगाया था कि जो ये मुफ्त वाली स्कीम्स चलती हैं, युवाओं को तो कम से कम काम करने की आदत होनी चाहिए, उनको तो मुफ्त की आदत ना। आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? पूरे विपक्षी दलों की बड़े से बड़े धुरंधर सड़कों पर उतर गए दिल्ली के बाद में, दिल्ली वाले ने क्या दिया अरविंद केजरीवाल? तो कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? हम राजस्थान से 40 दिन से पूरी टीम लगी हुई थी, आज हमें श्रेय मिला है हमारी मेहनत का। एक सवाल है मेरा, आप मेरे को पूरा गुलाल उलाल में दिखाई दे रहे हैं, होली आज ही मना, होली मना ली हमने और ये बड़ा खुशी का हमारे लिए त्योहार है। मेरा एक ही सवाल है सिर्फ, आइए जरा आगे आइए। चलिए, इनके चेहरे पर जो है इस वक्त गुलाल दिखाई दे रहा है, जीत का रंग होली मार्च में है लेकिन फरवरी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। बिल्कुल, और हमने इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी और क्योंकि ये पूरी दिल्ली वालों की खुशी का इस टाइम ये बनाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ एक सवाल है मेरा रिंकिया के पापा से, उन्होंने 48 सीटें किस बेसिस पे कहा था, ये बीजेपी अब कहाँ गई? अच्छा नहीं, मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए, देखिए जीत का जश्न आप मना रहे हैं लेकिन कल तक हम देख रहे थे कि ईवीएम को लेकर आपके नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब नतीजे आपके पक्ष में है तो अब आप ईवीएम की कोई बात नहीं कर रहे। देखिए, ईवीएम के लिए हमने ईवीएम पे क्वेश्चन ये नहीं उठाया कि ईवीएम में गलत देने वाली है, हमने ईवीएम का सिर्फ सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए हमने मुद्दा उठाया था, जिस तरह का उनका बयान। अब सिक्योर है ईवीएम? ईवीएम पहले भी सिक्योर थी, हमने सिक्योर, हमने रातों को बैठे मैम स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बैठे हम लोग। तो श्वेता देखिए, एक सेकंड श्वेता, ये देखिए यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी का उदय जिस तरह से हुआ एक आंदोलन के जरिए बाहर निकली, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी भी किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह उसी स्टाइल में काम करते हुए दिखाई देती है। चाहे प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी को तैयार किया या फिर आज का दिन भी जब आप देख रहे हैं, देखिए अभी तक मंच तैयार है लेकिन अभी तक वहां पर जो है नेताओं का आने का सिलसिला इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इंतजार हो रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अभी कुछ समय पहले जब हमने डेटा देखा था तो पीछे चल रहे थे, इंतजार इस बात का है कि वहां पर भी तस्वीर क्लियर हो जाए उसके बाद। मीनाक्षी, आपके पास बीजेपी के दफ्तर भी चलेंगे और कांग्रेस का दफ्तर भी आज देखना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है, बीजेपी के दफ्तर में कितने लोग हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तो जस्ट मन रहा, आशुतोष जी से पूछेंगे थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा है पूछेगा कि पटपड़गंज में अगर नतीजे ऐसे ही होते हैं जैसे रुझान है तो क्या केवल पटपड़गंज की ईवीएम हैक हो गई और बाकी नहीं हो पाई, ये पूछेंगे आपसे? नहीं सर, अभी थोड़ा रुकने के लिए, उन्होंने कहा रुक के अभी नहीं, उससे पहले जरा बीजेपी दफ्तर चले। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया आगे हो गए, अभी देखते हैं सर, दोबारा डेटा रिफ्रेश होकर आता तब तक देखते हैं। नहीं, मुझे एक सवाल आलोक जी, नहीं सर लगातार दिखाएंगे आलोक जी आगे पीछे सब, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर का जिक्र मीनाक्षी ने किया, प्रशांत किशोर का कोई रोल है या अरविंद केजरीवाल अपने आप, उनका नाम इतना बड़ा था कि उनके नाम पर ये वोट आ गए? देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बार बार एक एक बिजनेस एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, आज इस बात आपने चूँकि अच्छा सवाल उठाया, प्रशांत किशोर के बल पर अब वो बिहार की तैयारी करेंगे। केजरीवाल जी देखिए ना, राष्ट्र निर्माण या जो एक उन्होंने डाला हुआ है राष्ट्र निर्माण की ओर केजरीवाल, तो अगला कदम प्रशांत किशोर के बल पर बिहार की तरफ आम आदमी पार्टी जाएगी, वहाँ कितना कर पाएगी अलग बात है जी, लेकिन उसका एक अपना है। और अभी दोनों के साथ उम्र है, देखिए काउंटिंग सेंटर दोनों बहुत एम्बिशियस हैं और अमेरिका से पैसा लाने के मामले में भी बहुत सक्षम है जी, ये भी इस बात का प्रमाण देता है कि पहले केजरीवाल जब आए थे, जब इनकम टैक्स से उन्होंने जब इस्तीफा दिया, 9 करोड़ रुपया उन्होंने जमा किया था, आप ये बताइए 9 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड है, मैं नाम बता सकता हूँ जो आए, जो इनकम टैक्स के कमिश्नर जो उनके बॉस थे, इसलिए तब उनको उससे इस्तीफा देने से पहले वो पैसा जमा करना पड़ा। इससे साबित होता है कि बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर भी अच्छे मैनेजमेंट हो सकते हैं। पर देखिए बीजेपी पैसा बहाती है, कांग्रेस बहाती है, ऐसा नहीं है, पैसा बहाने में या प्रचार करने में भी प्रशांत किशोर भी मास्टर हैं और पहला बदल सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल भी तो अन्ना हजारे और विश्व हिंदू परिषद के जैसे मैदान में आए। आज जो आम आदमी पार्टी जीत रही है वो प्रशांत किशोर के पैसा बहाने से जीत रही है क्या? नहीं, या अरविंद केजरीवाल के नाम और उसके नेतृत्व की वजह से जीत रही है? अरविंद केजरीवाल के, प्रशांत किशोर अगला टारगेट। मैंने ये कहना है कि अब ठीक है, एक पैसा नहीं चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, दिलचस्प है। मनीष सिसोदिया इस समय काउंटिंग सेंटर पर है, लगातार वो अपने जो उनके सहयोगी उनके साथी वहां पर मौजूद है उनसे बात कर करके आंकड़े ले रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि भाई कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है अंदर गिनती में। बहुत बहुत कम से फ्लक्चुएट हो रहा है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा, पांचवें राउंड के बाद हमने जब देखा तो 115 वोट से मनीष सिसोदिया केवल सिर्फ केवल 115 सीट से, वोट से आगे हो गए थे। तो ये शायद आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन जैसे पहले आशुतोष कह रहे थे 8-10 राउंड 11 राउंड के बाद स्टेबलाइज हो जाएगी चीजें, ऐसा लगता है। इसलिए हमने कहा कि थोड़ी देर में इनसे पूछेंगे, अगर तस्वीर ऐसी रहती है तब पूछेंगे कि क्या केवल पटपड़गंज की ईवीएम हैक हो रही है, बाकी सब नहीं हैक हो रही है। लेकिन उसके पहले जरा एक बार उधर भी चलते पूरा डेटा देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी जी। रोहित चलिए वहां पर, तब तक हिमांशु मिश्रा से सवाल जल्दी से कर लेते हैं। हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये जो कभी कभी 20 तक को छू गया ये आंकड़ा, फिर 12 पर आकर लगभग इसी के इर्द गिर्द है, तो 48 का दावा, या फिर अमित शाह ने जो अब की बार 45 पार का नारा दिया था, कितनी देर इंतजार करेगी भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली प्रतिक्रिया देने से पहले? देखिए, मेरा मानना है कि लगभग 3 बजे के करीब तक जो है बीजेपी बिल्कुल इंतजार करेगी, और जब तक स्पष्ट हो जाएगा कि कितना मार्जिन हर सीट पे है उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आएगा। हमारे साथ दो प्रवक्ता है बात करने के लिए, राहुल त्रिवेदी हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं। अश्विनी जी, आप तो वकील भी हैं, बड़ा अच्छा पक्ष रखते हैं पार्टी का, आज क्या पक्ष रखेंगे? इतनी बड़ी हार की उम्मीद की थी, पिछली बार 67 जीत गए, इस बार तो वो 58 पे पहुंच गए हैं, और जहां पे 12 सीटें ना वहां पे नैरो मार्जिन 1000 के आसपास का। देखिए, पहली बात तो हमारे लिए राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, हम राजनीति करते हैं केवल देश की सेवा करने के लिए। हम राजनीति में आए हैं देश को बदलने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि यहाँ पे हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा है, 40% से ज़्यादा हमारा वोट शेयर हो चुका है। अभी तो घट गया है, 40 से नीचे, 40 से आ गया है, आगे नीचे हो रहा है, लेकिन ये हमने जो ग्राउंड पे देखा था, 48 सीटें कहाँ से लेके आए थे? अगर आप सत्ता की राजनीति नहीं करते, विचारधारा की राजनीति करते हैं, असूलों की, तो 48 सीटें कहाँ से दावा कर रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष? पहली बात तो ये, आप ये देखिए कि हम सत्ता की राजनीति अगर करते होते तो हम तुष्टिकरण भी करते, हमने कभी तुष्टिकरण नहीं किया, पूरी सभी पार्टियां। शाहीनबाग किसने मुद्दा बनाया सर? आप ही ने तो बनाया। शाहीनबाग को हमने मुद्दा इसलिए बनाया, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। शाहीनबाग तो सीए तो एक बहाना है, शाहीनबाग खिलाफत पार्ट टू है। 1919 में खिलाफत वन शुरू हुआ था। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते ये कह रहे हैं, और आप सत्ता की राजनीति नहीं करते, 5000 सभाएं की हैं राहुल आपने, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपने सड़कों पर उतार दिए, प्रदेशों में जितने आपके मंत्री हैं जहां बीजेपी शासित राज्यों की सरकार है वो सारे मंत्री बीजेपी की सड़कों पर उतर गए। इतना जो दिल्ली की जनता ने बता दिया, एक मिनट इसको बंद कर दो एक मिनट। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का बेटा अरविंद केजरीवाल है और उसको कोई हरा नहीं सकता। दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों ने बता दिया कि उसके बेटे के खिलाफ जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, पूरी की पूरी ताकत लग गई, 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया और पूरे देश में संदेश दिया कि काम की राजनीति होगी काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होगी मुद्दों की राजनीति, आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी ने तन मन पूरा समर्पित करके 5 साल तक दिल्ली वालों की जो सेवा, उसका ये बड़ा परिणाम आप लोगों के पक्ष में आया है। बहुत बहुत
ढेर सारी बधाइयां आप सबको, हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं और अभी तक 58 के आंकड़े आए हैं, लेकिन ये आंकड़ा अंतिम तक और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को संजय सिंह संबोधित कर रहे हैं जो पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, 300 सांसद उतारे, मुख्यमंत्री उतार दिए, सारे पूर्व मुख्यमंत्री उतारे, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा स्वीकार किया। उनके पिछले 5 साल के कामकाज पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को यह प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके बाद संजय सिंह कह रहे हैं कि अभी तो 58 का आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, फाइनल नतीजा आने दीजिए। फटाफट आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बड़े बड़े चेहरे जो सितारे कहे जाते हैं चुनाव के, उनकी क्या स्थिति है इस समय। मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मनीष सिसोदिया खुद भी चिंता में वहां पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर वोटों की गिनती चल रही है, तब जबकि पार्टी के सारे बड़े नेता पार्टी दफ्तर पर पहुंच चुके हैं, जश्न की शुरुआत हो रही है, वहां मनीष सिसोदिया तनाव में क्यों दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, 2015 के वो विजेता थे, 2013 के वो विजेता थे, लेकिन इस बार रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी के आगे चल रहे हैं, 24,477 वोट उनके खाते में और 22,901 वोट उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खाते में। कांग्रेस के लिए देखिए, मात्र 805 वोट यहां कांग्रेस के उम्मीदवार को दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा, जो कि कांग्रेस में चली गई थी वापस आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, उन्होंने 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता चांदनी चौक से, 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर, इस बार वो वापस कांग्रेस से गई लेकिन पीछे रही, और प्रहलाद सिंह सहनी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, वो इस समय आगे चल रहे हैं। अलका लांबा 609 वोट कुल मिलाकर उनके खाते में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अमानतुल्ला खान की तस्वीर और आतिशी की तस्वीर भी आपको दिखाते चले, ओखला सीट से अमानतुल्ला खान आगे चल रहे हैं, 2013 में वो यहीं से कांग्रेस से जीते थे और 2015 में आम आदमी पार्टी से जीते थे, इस बार उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के ब्रह्म सिंह और कांग्रेस के परवेज हाशमी से था, लेकिन अच्छी खासी बढ़त के साथ अमानतुल्ला खान इस समय आगे चल रहे हैं। आतिशी ये आम आदमी पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में गिनी जाती हैं, ये इस समय पीछे चल रही हैं, कालकाजी सीट आतिशी की, जहां धर्मवीर सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं, शिवानी चोपड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी है, मात्र 2064 वोट उनके खाते में दिखाई पड़ रहे हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा, जरा इन दोनों की सीटों का हाल भी आपको बता देते हैं। हरिनगर सीट पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पीछे चल रहे हैं, दोनों बार यहां से आम आदमी पार्टी जीती थी, इस बार टिकट फंसते फंसते तेजिंदर बग्गा के हाथ में आया, कहा गया कि पार्टी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री ने खुद दखल दिया, तब बग्गा को टिकट दिया गया। राजकुमारी ढिल्लन आम आदमी पार्टी की आगे चल रही हैं, और राघव चड्ढा युवा चेहरा आम आदमी पार्टी का, इस समय वो आगे चल रहे हैं, थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ कपिल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में आए और लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, वो इस समय पिछड़ रहे हैं, उनका मुकाबला आकांक्षा ओला कांग्रेस और अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के साथ था, और अखिलेश पति त्रिपाठी इस समय आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। बाकी चेहरे भी दिखाएंगे, उसके पहले फटाफट आशुतोष, आतिशी, मनीष सिसोदिया दोनों का पीछे चलना और आपकी वाली सीट से अलका लांबा का भी पीछे चलना, ये क्या मैसेज है? मेरी वाली सीट, मैं आपकी वाली कहता हूं तो सर आप वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, चांदनी चौक की बात होगी तो वो किसकी सीट? नहीं देखिए, अलका लांबा कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है उन्हें उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जब लहर चल रही हो किसी एक पार्टी के पक्ष में और दूसरी पार्टी कहीं किसी टक्कर में ना हो, ना तो संगठन के स्तर पे, ना नेतृत्व के स्तर पे, ना नीतियों के स्तर पे, तो उसको हारना बहुत असंभावी सा लगता है। लेकिन मुझे जो उनकी जो वोट है वो 609 वोट जो दिखाई पड़ रहे हैं ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को ऐसे ही कुछ 100 वोटों में, आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अलका लांबा जो है वो वहां से एमएलए रहे जी, सिटिंग एमएलए है, और उसके बावजूद अगर वो 1000 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है तो ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है वो भी उस इलाके में उतनी नहीं है, या उनको उस लायक में। जहां तक आतिशी का मेरा मानना है कि कालका जी वाली सीट शुरू से ही टफ मानी जा रही थी और शुरू से ही लग रहा था कि आतिशी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ, मनीष सिसोदिया की सीट पर जरूर मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि वो दो बार समा चुने जा चुके हैं, डिप्टी सीएम है, और अगर 5 राउंड के बाद भी अगर वो पीछे चल रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया।
भारत माता की, भारत माता की। एक जीत हम लोग साथ साथ दोहराएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों, मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता तो लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, भारत माता की, भारत माता की। अरे संजय सिंह, आज तो आप तो सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो पहला गीत वही गाएंगे, इंसान का इंसान से भाई चारा। सुर तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर है। नहीं बट लेकिन केजरीवाल बहुत बुरा गाते हैं भाई। हाँ। बहुत बुरा गाते हैं, बहुत बुरा गाते हैं। संजय सिंह कम से कम सुर तो उनका ठीक है। नहीं सुर ठीक है, तो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। कुमार विश्वास की भरपाई भी कर रहे हैं, कुमार विश्वास की भरपाई भी कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने वैसे काफी कोशिश की ट्विटर से भी, सोशल मीडिया के जरिए भी, बीजेपी में बात बनी नहीं तो केवल सोशल मीडिया से उनको मोर्चा खोलना पड़ा। आखिरी वोटिंग के दिन तक वो पूरी ताकत लगाए रहे। मैं कुमार विश्वास पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि मैं अपनी दोस्ती, कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग टिप्पणी नहीं करते हैं। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की आपस में बनी हुई कि अरविंद केजरीवाल भी कुमार विश्वास पर टिप्पणी नहीं करते। फोटो उनकी अभी भी लगी है वेबसाइट पर कि पीएससी के मेंबर है। आपकी तो तुरंत हट गई, आपकी तो फौरन हट गई, लेकिन उनकी लगी है अभी भी। वो टेक्निकली है पीएससी के मेंबर। टेक्निकली क्या होता है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, उन्होंने रिजाइन नहीं किया ना, उन्होंने इस्तीफा दिया ना, निकाला गया। ये अच्छा है सर, लेकिन चलिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। मीनाक्षी कंडवाल वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद है, लगातार तस्वीरें वहां की दिखा रही हैं, और वहां जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उत्साह से लबरेज आज, उनसे बात भी कर रहे हैं। मीनाक्षी बोलिए। जी रोहित, देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह जो है यहाँ से भाषण देकर गए, और बहुत क्लैरिटी के साथ उसमें ये समझ में आ गया कि अब जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उनकी स्पीच का हिस्सा भी क्या होगा। बीजेपी की पिच पर डायरेक्टली ना खेलकर इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग की है, राष्ट्रवाद को छुआ है, देश निर्माण को छुआ है, तिरंगा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात जो यहाँ पर संजय सिंह ने उठाई, ये कहा कि आपके अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो आतंकवादी है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया, 2 करोड़ परिवारों ने बता दिया कि उनका बेटा ही यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये अपने आप में एक क्लियर स्ट्रैटेजी एक बार फिर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है। ये देखिए इनके हाथ में पोस्टर, देखिए केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली वासियों को तहे दिल से विजयदशमी मुबारक हो। विजयदशमी क्यों, विजयदशमी क्यों? विजयदशमी मतलब दशहरा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने ईमानदारी और अच्छाई से बीजेपी की झूठ और पराजय को पराजय किया है, झूठ को, उसी तरह ही विजयदशमी का हम पर्व मना रहे हैं आज। और जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने मेघनाथ राम, अब जरा वहाँ उस तरफ देखिए, वहाँ पर अगर आपकी नजर जाएगी तो वहाँ पर हमें ढोल नगाड़ों के साथ में लोग नाचते और गाते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर होली भी मन रही है इस वक्त, और दशहरा भी दिखाई दे रहा है, जैसा पोस्टर इन्होंने लिया हुआ था हाथ में। लेकिन संजय सिंह ने अपनी स्पीच में जो बड़ी बात कही वो ये कि ये हिंदुस्तान की जीत है। देखिए अपने अपने आप में इस एक लाइन में एक बड़ा मैसेज छिपा है कि संजय सिंह दिल्ली के मैंडेट को बीजेपी के खिलाफ बताते हुए हिंदुस्तान की जीत बता रहे हैं। यानी वो तमाम मुद्दे जो उठाए गए, चाहे वो शाहीन बाग हो, CAA हो, एक नफरत भरे बयान जो हमने अलग अलग नेताओं की तरफ से देखे, क्लियर कट कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी का यह हिस्सा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट हमले नहीं करेंगे, इसके अलावा सिर्फ काम पर बात हो।
होगी, ब्रांड केजरीवाल पर बात होगी और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने उस पर भरोसा दिखाया है और इसी खुशी को जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता भी जाहिर कर रहे हैं। आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह है काम। हमने काम किया, जिस तरह शिक्षा पे काम किया, स्कूलों में काम किया, यही जीत की वजह है दिल्ली की सरकार ने। अब रोहित यहाँ पर एक चीज और देखना बड़ा दिलचस्प है, काम का जिक्र बार बार कर रहे हैं। बिजली और पानी दो ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल ने बार बार अपनी हर स्पीच में जिसका जिक्र किया, लेकिन एक ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव में जीत के बाद मार्च में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फायदे वापस ले लिए जाएंगे, तो इसे लेकर मैनिफेस्टो जब रिलीज हुआ उसी समय में एक गारंटी कार्ड भी रिलीज किया गया ताकि इसे लेकर जनता के मन में किसी भी तरह का संशय ना रह जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी सरकार की आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, ये पांच चीज, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली फ्री, पानी फ्री, यही मैं अपने सब सरकार की उपलब्धियां मानता हूँ और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा चीज केजरीवाल जी फ्री कर। अच्छा, एक पोस्टर जो है हमें बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहा है जिस पोस्टर में ये लिखा है जीत का अहंकार नहीं, हार से निराशा नहीं, तो वो ये एक साइलेंट मैसेज आप लोगों को भी दे रहे हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए जीत का। जी, हम लोग ऐसे हैं कि साइलेंट मैसेज ही देंगे क्योंकि हम लोग दहशत फैलाने का माहौल काम नहीं करते, हम लोग ये स्टेटमेंट देने का काम नहीं करते। यहाँ पर जरा एक नजर यहाँ पर डालिए रोहित, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कार्यकर्ता लगातार सुबह से इसी तरह से आपको यहाँ पर नाचते कूदते दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बाकी जो है युवा वोटर, युवा कार्यकर्ता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितनी देर से डांस कर रहे हैं? कितना समय हो गया नाचते हुए? कितने टाइम से डांस कर रहे हो? सुबह सुबह से कर रहे, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। थकान नहीं हुई? लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आने में देरी हो गई है, उम्मीद थी कि 12 बजे तक आ जाएंगे पर थोड़ा समय लग रहा है। जी 12-1 बजे तक टाइमिंग है, शायद 12:30 तक आ जाएंगे साहब। हाँ तो आने वाले हैं, सत्य सिंह बता रहे हैं आने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जी पीछे चल रहे हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। मैडम कोई पीछे नहीं है, अभी देख कर आप, अभी टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 2 बजे देखना क्या होगा, बहुत शानदार जीत होगी केजरीवाल की। देखिए भरोसा यही है कि अभी भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं सीट का आंकड़ा उससे ऊपर जाएगा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का यही दावा है। रोहित मीनाक्षी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्या अंदाज में, अभी तो नाच गाना वहां पर शुरू ही हुआ है, जैसे समझ लीजिए 12:30 का समय हुआ है, लेकिन चूंकि इतनी तेजी से सीट इधर से उधर जाते हुए दिख रहे हैं, अभी देखिए 56-14 का आंकड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि डिप्टी सीएम की सीट जो है अभी फंसी हुई है, यानी मनीष सिसोदिया अभी क्लियर कट अपनी सीट पर लीड नहीं कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो अरविंद केजरीवाल का आना उसी से जुड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी बधाई दे रही है अरविंद केजरीवाल को, सुन लीजिए पहले। যে এত ধর্মান্ধতা, এত সংকীর্ণ হেট্রেড পলিটিক্স করেও মানুষ এক গুলাবে পর পৌঁছ গে, লেকিন আজ বড়ি জিত কে তোর পর মমতা ব্যানার্জি ইসে প্রজেক্ট করেঙ্গি আর খাস কর जो सभी पार्टियां इंतजार कर रही थी एनआरसी सीएए इस सब पे विरोध प्रदर्शन को लेकर, तो ममता बनर्जी जब सामने आती हैं बधाई देने के लिए तो देखना यही है कि क्या वो सीएए और एनआरसी के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका जिक्र करती हैं या नहीं करती हैं। और देखिए दिलचस्प यह है कि अब अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, भले ही वो पहली बार 49 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन टेक्निकली जैसा अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि टेक्निकली उनको तीसरी बार का ही मुख्यमंत्री गिना जाएगा, और उसके बाद विपक्ष निश्चित तौर पर ये चाहेगा, ये उम्मीद करेगा कि अरविंद केजरीवाल को अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ये पहली तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की, आज चुनाव नतीजे देखते हुए आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं, संजय सिंह अभी पहुंच चुके हैं पार्टी दफ्तर, ये उस समय की तस्वीर है जब वो वहां रहे होंगे, और साथ में अरविंद केजरीवाल का परिवार, उनकी पत्नी भी बैठी हुई वहां पर दिखाई दे रही है, साथ ही पार्टी के और नेता भी इस समय बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यकीन है जैसे पार्टी दफ्तर में आज तक लगाकर सब लोग देख रहे थे, घर पर वो भी आज तक पर ही बैठकर चुनाव नतीजे देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आज तक आपको दिखा रहा है, आज तक ने दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं उसका एक अनुमान, उसकी एक झलक भी आपको दे दी थी 2 दिन पहले ही, और कुछ कुछ वैसा ही नतीजा भी आज आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 2015 जैसी तस्वीर आम आदमी पार्टी की नजर आई थी, हालांकि इस समय तक स्पष्ट हो गया था क्योंकि 67 सीटों की बात थी, और इसी तरह से नीले सफेद गुब्बारे उस समय नजर आ रहे थे। आशुतोष जी मिस कर रहे हैं, पिछली बार तो वही था छत पर देखा था हमने आपको। ये सवाल आपके पहले अंजना ने भी पूछा था,
मेरी बदकिस्मती कह दीजिए या विडंबना कह दीजिए कि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो लोग कहते थे कि यार आप जर्नलिज्म मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, आज इतनी बड़ी खबर हो गई, आपको लगता होगा आपको एंकरिंग करनी चाहिए। तो मैं कहता था हाँ बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, तो आज इधर आ गया तो आप ये सवाल मुझसे नहीं, नहीं, उस समय जब आप संभाल रहे थे तब 67 सीटें जिता दी थी, आप देखिए 54-56 के आसपास। मुझे ये मुगालता कभी नहीं था कि मेरी वजह से 67 सीटें आप जब दो नाव में सवारी करेंगे तो जब जब एक नाव की तरफ जाएंगे दूसरी नाव वाले पूछेंगे ना, और अगर इधर कैसे, और अगर आज किसी को मुगालता आम आदमी पार्टी में ये है अरविंद को छोड़ के उसकी उनकी वजह से 58-56 सीटें आ रही है तो फिर तो निशाना किस पर है ये तो बता दीजिए, निशाना किस पर लगा रहे हैं आप राजनीति छोड़ कर। मैं फिर दोहरा दूं इस बात को, अगर कोई आदमी इस गलतफहमी में है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए या आम आदमी पार्टी की मदद करते हुए अगर 56-58 सीट उसकी वजह से आई तो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार। नहीं नहीं सही बात है, 2019 के चुनावों में जितने लोग बीजेपी छोड़कर गए वो नहीं जीत पाए मंत्री पद पर रहने के बावजूद, और उसके बाद आज देखिए अलका लांबा या कपिल मिश्रा का जो हाल हो रहा है अपनी अपनी सीटों पर, ये साफ साबित करता है कि लोग एक नाम पर एक चेहरे पर वोट डाल रही हैं, वो यही सोचकर वोट डाल रही हैं कि 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं लगभग वैसे ही जैसे मोदी गुजरात में चुनाव लड़ा करते हैं, जैसे मोदी जी केंद्र में लड़ते हैं। भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एक तरीके से इलेक्शन हो गया है कि वोट आप मोदी के नाम पे देते हैं, आज आप मोदी जी को बीजेपी से अलग कर दिए। इसी दिल्ली शहर के अंदर आप देखिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को करीब 50 से ज्यादा फीसदी वोट मिलता है, असेंबली के इलेक्शन में आप 32-33-34 फीसदी पटक जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 15-20% वोट है वो किसका है, वो अकेले मोदी जी का वोट है। तो अगर कल दिल्ली में मान लीजिए हो जाए कि दिल्ली में मोदी जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी जो सरकार बना लेगी यहां पे, लेकिन अगर लोगों को मालूम है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है तो फिर बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक आ जाती है। लेकिन इस पूरे चुनाव नतीजे के जो टेक अवेज हैं, अगर मैं बहुत छोटे टेक अवेज की बात करूं संजय जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ट्विटर के रिट्वीट्स जीत की गारंटी नहीं होते? पहली बात, हो सकता है आपको हजारों में रिट्वीट्स मिल रहे हो लेकिन वोट उस तरीके से मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती। और दूसरा, सबसे नीचे के सुर में किया गया चुनाव प्रचार आज भी स्ट्रांग होता है? ये आज की बात नहीं है, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया फेसबुक और ये जो ट्विटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कैंपेन को पूरा एक तरह से कैंपेन चलाता और इसी से आप चुनाव जीत सकते हैं? मुझे लगता है ये एक सहायक टूल्स हैं कैंपेन के लिए, जिसका जिक्र आपने किया कि एक लो टोन में दबे स्वर से घर घर जा कर के जो प्रचार किया जाता उसका काट आज भी नहीं है, चुनाव उसी माध्यम से जीता जाता है। जब तक आप 1-to-1 संपर्क नहीं बनाते तो आप वोटरों के मन को पकड़ने में, टटोलने में, उनकी बात सुनने में कामयाब नहीं होते। सिर्फ ट्विटर फेसबुक सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता। अमित शाह तो घर घर जाके पर्चा भी बांट रहे थे। अब अगर ये आप मान लें कि सिर्फ घर घर जाने से ही चुनाव जीत जाएंगे तब तो हर कैंडिडेट घर घर चला जाए। घर घर मैं कह रहा हूँ प्रचार का क्या माध्यम सबसे इफेक्टिव है, जिसका जिक्र आपने किया, मैं मानता हूँ इस बात को कि सबसे प्रचार का इफेक्टिव माध्यम अभी भी वही है, आप घर घर जाके प्रचार करें, मतदाताओं से मिलें, मतदाताओं की बात सुने और अपनी बात मतदाताओं को कहें। गणेंद्र जी हमारे साथ अगर अभी हैं आम आदमी पार्टी से, गणेंद्र जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, इससे पहले कि हम श्वेता के पास जाएं कुछ और आंकड़े स्ट्राइक रेट खासतौर पर, श्वेता हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि स्ट्राइक रेट क्या रहा है आज के चुनाव में, उसके पहले गणेंद्र जी क्या आप मानेंगे इस बात को कि आखिरी 6-8 महीने में अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति बदली, नरेंद्र मोदी पर हमलावर नहीं होना, अपने काम का प्रचार करना, जिसको आपने एक शब्द में कहा पॉजिटिव कैंपेन, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से कह रहा हूं, इसका फायदा मिला? जी जी देखिए रोहित जी, हमें फायदा मिला, हमने जो लगातार 5 साल हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, 20,000 कमरे रोहित जी को 6 महीने में 8 महीने में नहीं बनते, 20,000 कमरे अगर आपको सरकारी स्कूल में बनाने तो 5 साल लगते हैं, अगर आपको 450 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलने तो उसमें भी 5 साल से ज्यादा समय लगता है। हाँ ये तय है कि लास्ट के 1.5 साल में, क्योंकि दिल्ली का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में यह तय होता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास क्या शक्ति है, और सुप्रीम कोर्ट हमें ताकत देता है कि दिल्ली में लैंड को, पुलिस को, जुडिशरी को छोड़ के सारी ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जैसी हमें ताकत मिलती है हम रात दिन एक करके दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं, और हम गर्व से कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा करी, 5 साल पूरे ईमानदारी से सेवा करी, और आज उसका यह नतीजा मिल रहा है, दिल्ली के लोगों ने हमारी मजदूरी हमें दी है।
जो हमने मजदूरी करी। तो धनेंद्र जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके बतौर मुख्यमंत्री या बतौर दिल्ली की सरकार क्या ताकत है, क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, ये समझने में आपको 3 साल लग गए? क्योंकि पहले 3 साल तो आप यही कहते रहे कि ये काम नहीं करने देते, ये काम नहीं करने देते, ये काम नहीं करने देते, और आखिरी 2 साल में आपने बताया कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। रोहित जी, मैं भी तो रोहित जी, मैं कह तो रहा हूँ आपको, आपको रोहित जी, आपको ध्यान होगा दिल्ली में केलजी साहब होते थे, हम जो फाइल भेजते थे उस फाइल को दबा के बैठ जाते थे। नजीब जंग का आपको पता है किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार को 3.5 साल काम करने नहीं दिया, और हम नहीं गए, यही लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट लेके गए मामला दिल्ली का, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास क्या शक्ति है और उपराज्यपाल के पास क्या शक्ति है। हमें जैसी ताकत मिली हमारी सरकार को, हमने काम शुरू कर दिए, और आज उसका नतीजा है कि दिल्ली के लोगों ने दोबारा इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल को दिया। दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सिर्फ देश में वही चलेगा और कोई मॉडल नहीं चलेगा, पूरे देश में एक ही मॉडल चलेगा, अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आज देश की दूसरी सरकार जी, आपने आपने अपनी उपलब्धियों में सबसे पहला नाम लिया था मनीष सिसोदिया का, और हम अपने दर्शकों को जरा जल्दी से ये आंकड़े दिखा देते हैं, ये जो किसका होगा राज तिलक चुनाव मैदान में दिग्गज, तो जो सबसे बड़े दिग्गज हैं जिन्हें लेकर आपके मन में सवाल उठ रहा है वो है मनीष सिसोदिया, जो कि पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी पीछे चल रहे हैं। इनका जो मुख्य मुकाबला है और जो आगे चल रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और 800 से अधिक वोटों से अभी मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा उनके सामने और उनकी पार्टी के सामने सवाल होगा इस समय, क्योंकि अगर शिक्षा सबसे बड़ी उपलब्धि रही तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई संशय नहीं है, उनके नाम पर चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, और देखिए कितने बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अभी सीट का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी उनके सामने जिन नामों का ऐलान किया गया था वो ऐसा कोई सीरियस उम्मीदवार नहीं दिख रहे थे किसी भी वोटर को, कि उन्हें लगे कि शायद वो कुछ और फैसला कर सकते। इसी तरीके से देखिए ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं, इसमें मुकाबले की बात ही नहीं आती है क्योंकि इतने लंबे फासले से सब चल रहे हैं। लेकिन जो पार्टी छोड़कर आए, आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कपिल मिश्रा मंत्री रहे थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से उनसे आगे चल रहे हैं। अलका लांबा कांग्रेस चली गई, कपिल मिश्रा बीजेपी चले गए, लेकिन अलका लांबा भी पीछे चल रही हैं, और वहां से आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह साहनी बहुत आगे चल रहे हैं। अलका लांबा को 874 वोट हैं फिलहाल, केवल जब से हमने पिछला आंकड़ा देखा था उस समय से लेकर अभी तक केवल इतना। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि अपने प्रचार के तरीकों के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहे, हरिनगर सीट से वो पीछे चल रहे हैं। राजकुमारी ढिल्लन, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी लगभग 2000 से कम वोटों का फासला यहां पर राजकुमारी ढिल्लन, जो कि आम आदमी पार्टी की हैं, तो देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर यहां पर निकल कर आती है। लेकिन अभी जो मोटा मोटी जो आंकड़े सामने हैं और जिस तरह के अलग अलग सीटों पर इन दिग्गजों की परिस्थिति दिख रही है, दिल्ली का चुनाव है बहुत दिलचस्प। अभी सैयद जफर इस्लाम इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम, जो टारगेट अमित शाह का 45 पार का, मनोज तिवारी का दावा 48 पार का, आप लोग चाह रहे होंगे काश ट्वीट नहीं किया होता मनोज तिवारी ने, नहीं लिखा होता कि ये ट्वीट बचा कर रख लीजिए, क्योंकि उसे बचाने से भी कोई फायदा हो नहीं रहा है, केवल 14 सीटें दिख रही हैं अभी। जी बात सही है आपकी, जो हमें उम्मीद थी उससे हम उस उम्मीद पर जो वोटिंग हुई है हमारे उस उम्मीद से हमारे लिए कम हुई है, लेकिन हम पिछले बार के 2015 के इलेक्शन से इस बार बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे ऐसी उम्मीद थी, ज़रूर बेहतर किया। 32 से हमारा 40 के 40 से ऊपर 40% ऊपर वोट आए हैं, लेकिन जो जो कमी रही थी कमी रही है वो आपके सामने है, शायद इससे बेहतर और जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, 2015 से सीटें भी बढ़ी हैं, जनाधार भी बढ़ा है, लेकिन चूंकि ये ट्रायंगलर मुकाबला था उसमें एक पार्टी बिल्कुल पेरिश हो गई,
उसका शायद उसका फायदा जो है वो आपको मिला है और उसकी वजह से नतीजे दिख रहे हैं। नहीं तो आप अगर आप देखिए कि अगर उस पार्टी ने थोड़ा भी परफॉर्म किया होता है केजरीवाल से हार रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की उदासीनता से आप कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं आपको दिखते हैं इसलिए कि कई नहीं मैं आप देखिए अगर आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखिए कुछ सीटों में आप कह सकते हैं कि हम हारे हैं लेकिन किस सूटे में आप देखिए 5 वोट से अभी आप जीत रही है 5 वोट से लीड कर रही है कहीं पे 15 वोट से कर रही है कहीं पे 400 वोट से कर रही है तो अभी आप नतीजे नहीं आए लेकिन कई ऐसे सीट है कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी बहुत छोटे मार्जिन से लीड कर रही है वो तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि आज हमारी हार हुई है और इसके विपक्ष इसका हम चुनाव हार गए मान लो चुनाव हार गए आपका एजेंडा नहीं चल पाया आज ज्यादा हवा में मत उछलिए कम्युनल एजेंडा दिल्ली के लोगों ने फेल कर दिया हार को मान रहा हूँ लेकिन ज्यादा हवा में मत उछलिए मैंने हवा में क्या आपके कम्युनल नहीं आप ज्यादा हवा में मत उछलिए आप बोलो कि दिल्ली के लोगों ने आपके कम्युनल एजेंडा को आपको भी आपको हकीकत जनता दिखा रही है आपके 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 परसेंटेज गिरे नहीं परसेंटेज गिरे हैं लोगों ने आपके कम्युनल एजेंडा को ज्यादा हवा में मत घूमिए इसलिए कि आप थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथों सीटें हारे थे और सिर्फ 18% वोट मिले थे आपको को चुना है दिल्ली के लोगों ने नफरत को हराया है सरकार स्कूल जीते दिल्ली के सरकारी अस्पताल नफरत तो आप फैला रहे हैं नफरत की राजनीति तो आप कर रहे हैं समाज को तोड़ने की राजनीति जो घमंड और अहंकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा भी आपको मिलेगा आपको देखना पड़ेगा कि प्रदेश की जनता ने हमारे ठीक है आज तो रिजल्ट का दिन कम से कम आज तो शांति से बात कर लीजिए अब तो कोई वोट परसेंटेज बढ़ नहीं जाएगा चीखने चिल्लाने से एक दूसरे पर मेरे एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए गणेंद्र जी गणेंद्र जी गणेंद्र जी दिल्ली के लोगों ने आपको जनादेश दिया है गणेंद्र जी ये बेवकूफी वाली बात जो आप अरे भाई एक सेकंड रुक तो जाइए अरे भैया एक ही जगह जीते हो हर जगह आपको एक सेकंड रुक तो जाइए हर जगह आपके मुंह पे काली पोता गया है आपको पता है कि नहीं जहाँ गए वहाँ नाकाम हुए तो एक जगह आप जरा ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइए एक सेकंड रुक तो जाइए एक एक करके बात कर लीजिए ना दोनों के लायक तो होना चाहिए तुम्हें प्लीज ऐसा मत कीजिए शराफत से बात जवाब दे रहा था लेकिन तुम उसके लायक भी नहीं हो दिल्ली के लोगों ने किसके मुंह पर तमाचा मारा है अच्छा रुक जाइए ना एक सेकंड मैंने तो बड़ी शराफत से जवाब दिया चलिए लड़ लीजिए फिर थोड़ी देर आप लोग देख ले देश की जनता ये इसके ये दिमाग में अहंकार चढ़ गया है थोड़ी सी जीत का दिमाग में अहंकार इस बदतमीज आदमी के दिमाग में चढ़ गया है देखिए मैं बिल्कुल आपने जो है ना जवाब पूछा सवाल पूछा उसके शराफत से जवाब दे रहा हूँ संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ कि हाँ हमारी हार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा दिमाग पे फिर भी दिमाग पे इतना बोझ मत लो अभी शाम तक टीवी चैनल पे जाना है आपको अच्छा ठीक है आप दोनों का चलिए ठीक है हम आप दोनों से हट रहे हैं हमारे पास और भी मेहमान हैं जो सभ्य तरीके से ढंग से अपनी बात रख सकते हैं चुनाव के नतीजे का विश्लेषण कर सकते हैं बजाय एक दूसरे का कॉलर पकड़ने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के सोचना ये चाहिए कि हम कहाँ हार गए हमसे कहाँ चूक हो गई हमने क्या वादे किए थे उनमें जनता ने कितने मान लिए कितने नकार दिए इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए किसी की सरकार बन रही है तो उसको खुश होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आगे वो क्या करेगा बजाय इसके कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ के चुनाव के नतीजों का विश्लेषण हो आशुतोष जी आप सत्य हिंदी सारा यहीं से लिख देंगे क्या आज नहीं नहीं बताइए देख तो लीजिए क्या चल रहा है ये नहीं मैंने देखा अभी बदतमीज और पता नहीं क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था तो मुझे देखिए एक चीज पहली बात यह कि कम से कम बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को इस वक्त जो है वो थोड़ी सी विनम्रता दिखानी चाहिए थोड़ी सी परिपक्वता दिखानी आप चुनाव जीत गए हैं आपने स्टेटमेंट दे दिया है और बीजेपी को भी समझना चाहिए कि अगर आपकी 3 से 13 सीटें भी होगी तो कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपने नहीं पाई जो 13 सीटें हैं क्या हम ये मान लें कि इन 13 सीटों पर नफरत का एजेंडा शाहीन बाग वाली राजनीति गोली मारो सालों को जीत गया देखिए आज की तारीख में तो यही कहा जाएगा इसके अलावा कोई दूसरा नैरेटिव है नहीं नहीं ये भी ये नहीं हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का कामकाज को नकारोगे हमें नहीं पसंद आया किसका अरविंद केजरीवाल का मतलब अगर 57 सीटों पर कामकाज की जीत हुई है तो 13 सीटों पर कामकाज को नहीं पसंद किया ऐसा क्यों नहीं मान मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई गणना की जाती है कि 57 सीटों पर जीत गए तो वहाँ पे विकास काम किया और 13 सीटों पर जीत गए तो शाहीन बाग ऐसा नहीं होता पूरी चीज़ों को समग्रता में देखनी चाहिए ये देखना चाहिए कि जो वोट परसेंटेज है वो किस पक्ष में ज़्यादा है आज की तारीख में बीजेपी की पिच क्या थी शाहीन बाग की पिच थी पाकिस्तान परस की पिच थी गोली मारो की पिच थी
उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तभी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अगर आम आदमी पार्टी की बातों को नहीं मानते तो बीजेपी को वोट दे देते, ये बात बीजेपी को समझना चाहिए। वोट परसेंट गिरना क्या संकेत देगा? देखिए, ये सही बात जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि सब आम आदमी पार्टी ने जो किया, कई लोग लोकतंत्र में ही यही एक विशेषता है, कुछ लोग जैसा मैं अभी भी आश्चर्य से थोड़ा सा कि कुछ लोग मानते हैं कि ठीक है बीजेपी का वो एक एजेंडा हो सकता है हिंदुत्व का, वो तो सब कैन से कि हमने पूरा एफर्ट किया था, हर तरीके का एफर्ट किया था और शायद हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। सो आम आदमी पार्टी सरकार फिर से बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी फिर से सीएम बनेंगे एंड आई होप कि दिल्ली का विकास होगा। मैंने भी क्या लगता है आपको कि कहाँ पर चूक हो गई है, क्योंकि अब ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे करीब 20 साल के बाद बीजेपी ने काफ़ी कड़ी मेहनत की थी ऐसा सबको लग रहा था। देखिए मुश्किल है बताना कि कहाँ पर चूक हो गई, और जब भी इंटर डिस्कशन होंगी तब आप नॉर्मली बता सकते हैं कि कहाँ पर हुई है, बिकॉज अभी मीडिया के सामने बताना कि कहाँ पर चूक हो गई कहाँ पर चूक नहीं हुई वो कहीं ना कहीं गलत होगा। और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि शायद जनता को हम उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें कन्विंस करना चाहिए था, या फिर जनता हमारे से कन्विंस नहीं हुई। कोशिश हमने पूरी करी थी, ऐसा नहीं है कि हमारे एफर्ट में कोई भी कमी थी, एफर्ट पूरा था। और अगर उसके बाद आप जनता को लगता है कि दिल्ली का विकास केजरीवाल जी कर पाएंगे तो केजरीवाल जी कर पाएंगे एंड आई होप केजरीवाल जी करेंगे। तीसरी पार्टी 2015 में भी कांग्रेस को खाता नहीं खुला था, इस बार भी वैसी ही स्थिति है। लेकिन ओवरऑल मतलब अगर हम इस दिल्ली असेंबली इलेक्शन की बात करें तो आप क्या मेकआउट करते हैं इस असेंबली इलेक्शन से? देखिए बीजेपी को बहुत काम करना बाकी है, मैं बाकी पार्टीज के बारे में बात नहीं कर सकता, बीजेपी को और मेहनत करने की और ज़रूरत है और यही कोशिश करेंगे। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल में कोशिश करेंगे कि और ज़मीन पर उतर के लोगों के साथ काम करें, लोगों को कन्विंस कर पाएं और जो हमारी विकास की नीति है, जो हमारी विकास। तो सुना आपने गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अभी मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, पार्टी में एक बार चर्चा हो रहा दीजिए फिर पता लगेगा कि हम क्यों हार गए कहां हार गए। हालांकि आशुतोष जी का कहना यह है और आम आदमी पार्टी का भी कहना यह है कि नफरत की राजनीति हार गई है, हमारा विकास का एजेंडा जीत गया है। आलोक मेहता जी, मेरा सवाल यह है कि इन 13 सीटों पर कौन जीता और कौन हारा? देखिए इन 13 सीटों पर आप अभी भी मैं कहूँगा कि मिक्स एक तरह से जो वोट होता है, कुछ लोग इस बात से भी नाराज़ थे कि आप मुफ्त में बांट रहे हैं, उससे भी नाराज़गी होती है। पूर्वांचलियों का यदि कुछ वोट मिला होगा जिसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी गौतम गंभीर बोल रहे थे इसलिए मैं फिर से कहूँगा रोहित जी, आप यदि पार्टी के लोगों से भी बंद मैंने बाहर दिया, आप कैमरे के हट करके बात करते, हमने भी बात किया, तो गौतम गंभीर या हंस राज हंस ये जो लोकसभा चुनाव के लिए भीड़ या खुद मनोज तिवारी भीड़ इकट्ठा करने के लिए या मोदी जी के नाम पर उस समय वोट मिला, अब गौतम गंभीर कह रहे हैं कि हमें समीक्षा, भाई वो कभी जब से चुनाव होने के बाद अब तो मतलब जितना साल भर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करने को, क्या कार्यकर्ता उनसे मिल पाया? मेरी जो सूचनाएं हैं या मेरे लोगों से जो बात हुई है, ऐसे सब लोग बिल्कुल कटे हुए हैं, सांसद कटा हुआ, यदि उनके नेता जो मंत्री बने वो केवल एक, जैसे जब मोदी जी ने कहा जब आप अपना बांट आइए काम, तो जाकर के आखिरी दिनों में सांसद यदि 300 भी चले जाएं तो या बाहर से लोग आ जाएं, उससे काम नहीं हो सकता था। संगठन के बारे में जो लगातार होना चाहिए था, ये ठीक है मनोज तिवारी आपको याद है श्वेता जी, वो तो कुछ मेट्रो वेट्रो में भी जाते थे और लगता था कि ठीक है वो जमीन से जुड़े हैं, लेकिन जब जो कार्यकर्ता पहुँचाता है, आम आदमी पार्टी ने, मैं पिछली बार भी कह चुका, उन्होंने बराबर पूरे 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे साल भर से और हर घर जाकर कहते थे आपका वोट प्रदेश अध्यक्ष का दे रहे हैं। हाँ। और फिर उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी में लोगों का जुगत लगाना कि कहीं ये मुख्यमंत्री ना बन जाए, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ नहीं, उनके पार्टी के नेता ही नाराज थे। आप विजय गोयल से पूछिए, विजय गोयल कितना दुखी थे, आज भी चेहरा उनका सुबह से दुखी था, लेकिन मतलब वो उस उत्साह में नहीं बोल रहे थे जो दूसरे लोग बोल रहे। मेरा एक सवाल संजय जी आपसे है, क्या चुनाव जीतने का कोई क्रैश कोर्स भी होता है कि आखिरी 15 दिन में आप आइए और सोचिए कि हम पूरा चुनाव जीत लेंगे, जो 5 साल से सरकार चला रहा है, पिछले 2 साल से प्रचार का प्लान भी कर रहा है और प्रचार भी कर रहा है, उसको हरा देंगे 15-20 दिन में? सही है रोहित, और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगी, वो ये कि जिस दिन दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ उस दिन तक तो ऐसा ही लग रहा था कि 70 से 1-2 कम खाली होंगे अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद बीजेपी ने जोर लगाया। यही जोर अगर आप पहले से लगा दिया होता, आपने एक ढांचा खड़ा कर लिया होता आपने, तो शायद आज आपको इतनी देर से हार नहीं स्वीकार करना होता, आप दूसरा आंकड़े दूसरे होते शायद। आंकड़े शायद दूसरे हो सकते थे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर बीजेपी ने 1 साल पहले किसी को चेहरा दे दिया होता, दमखम से प्रचार कर रहे होते तो चुनाव ही जीत जाते। एक माहौल होता है, जनता का एक मूड होता है। मैं इसको हमेशा एक इम्तहान के तौर पे कहता हूँ। कई बार होता है कि किसी स्टूडेंट को 55% मार्क्स आते हैं और वो कहता है मैं तो सिर्फ आखिरी के 2 दिन पढ़ा मैं और मुझे 55% मार्क्स आ गए। तो मेरा सवाल ऐसे स्टूडेंट से हमेशा ये रहता है, पहले क्या आप साल भर पढ़े होते तो आपके 110% मार्क्स आ जाते? ऐसा होता नहीं है।
हो सकता है वो व्यक्ति साल भर पढ़ा होता स्टूडेंट तो 55 से 60 पहुंच जाता तो बीजेपी की जो आज आंकड़े 13 या 14 या 15 दिख रहे हैं हो सकता है बीजेपी 22 पहुंच जाती 24 पहुंच जाती में आ जाता ना सर। लेकिन ये प्रशांत किशोर के साथ तस्वीर डाली है अरविंद केजरीवाल ने अपने लेकिन चुनाव नहीं जीतती ये मैं मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का माहौल दिल्ली में बना हुआ था चुनाव नहीं। प्रशांत किशोर पे भी जरा टिप्पणी कर दें उनके साथ तस्वीर है और जितने खुश हैं अब ये फोटो देख के तो एक ही टिप्पणी हो सकती है दोनों को नीला रंग बहुत पसंद है दोनों ने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी है इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं तो पार्टी का रिवाइज है ना सर। नीले गुब्बारे आपने देखे होंगे पार्टी दफ्तर के बाहर लगे हुए वैसे इस पे ज्यादा टिप्पणी मुझे लगता है आशुतोष जी बेहतर कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे अरविंद केजरीवाल पिछले चुनाव में गले मिल रहे थे या उससे पिछले में गले मिल रहे थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं आज तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा लेकिन आपके इस पर क्या विचार है। लेकिन मैंने लाल रंग का स्वेटर पहन रखा था आप आज मुझे मार सर मैं आपका नाम ही नहीं ले रहा आज नीला पहना रंग नीला है आज आपने नीला पहना है मैं तो आपका नाम नहीं ले रहा था मैं तो और बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं और आपको बताने की जरूरत नहीं आपके मन में वो लिस्ट ज्यादा बेहतर छपी हुई है हम तो पढ़ के बताएंगे। देखिए एक मैंने फिर दोहरा देता हूँ इस बारे में पहली बात तो ये कि जो अभी आपने तस्वीर भी दिखा लाल रंग का जो स्वेटर देखा है तो ये आइकॉनिक तस्वीर अपने आप में है इस लिहाज से। दूसरी बात एक बात मैं जो बार बार दिल्ली के बारे में कहता हूँ कि बार बार लोग अमित शाह को चाणक्य मैं कहता हूँ कि भाई दिल्ली की स्थिति पिछले 22 सालों से खराब है और जब आपकी 5 साल की सरकार थी तो आपने 3 बार मुख्यमंत्री बदले थे तो दिल्ली में बीजेपी का सरकार का जो अनुभव है वह बहुत अच्छा नहीं है। आपको अगर मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा को सुषमा स्वराज को लाना पड़े और उसके बाद आप अगले 22 साल सरकार में ना आ पाए तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बुनियादी तौर पर गड़बड़ है पार्टी के अंदर। और आप देखिए 2015 में पार्टी की बागडोर किसको दी गई थी सतीश उपाध्याय को। आज सतीश उपाध्याय कहाँ हैं क्या MLA का चुनाव लड़ रहे हैं क्या MP का चुनाव लड़ रहे हैं क्या काउंसलर का चुनाव लड़ रहे हैं सतीश उपाध्याय कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिसकी कोई जमीन ही नहीं थी उसके बाद अचानक आप गोरखपुर से आए हुए एक शख्स को आपने दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया जो यहाँ के जमी जमाए नेता चाहे विजय गोयल हो चाहे हर्षवर्धन हो चाहे तमाम लोग हैं विजेंद्र गुप्ता हो उनको आपने बिल्कुल किनारे कर दिया। तो एक जैसे ही कोई बाहर का आदमी आता है अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा होता है वो उस जमीन को उस तरीके से नहीं समझता जो अगले 30 साल पिछले 35 साल से आदमी काम कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात को अमित शाह नहीं समझ पाए इसलिए उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस हार की। ऐसा नहीं कि आखिरी 15 दिन मैंने चुनाव उठा दिया होता क्या नड्डा अध्यक्ष हैं। देखिए मैं बताऊं आप चूंकि मैंने तो चुनाव कैंपेन में हिस्सा लिया मैं बता सकता हूं कि चुनाव जब तक शुरू नहीं हुआ था तब तक एक पार्टी का कैंपेन चल रहा था तो जहां भी परसेप्शन था कि आम आदमी पार्टी को लेकर बस था इसलिए लोगों को लग रहा था कि 60 से 70 सीटें जीत सकते वो। जब बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया काउंटर नैरेटिव आया तो लोगों ने दो तरीके की बातें सुनने वाई अब दोनों की बातों को सुनकर लोगों ने किया लेकिन जो आदमी 2 साल से तैयारी कर रहा हो आप उसको 15 दिन में कैसे हरा सकते हैं। ये कांग्रेस के साथ आप लड़ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस इसी तरीके से कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी इस तरीके से कैंपेन नहीं करती।